friends, my name is Ashia and I am a fashion designer. From today, I have started creating contents for Ambition Success on fashion pattern making and sewing. Mere videos thode se alag hai because in my videos, I will give you formulas how to create a basic block of a particular design of a garment. तो अगर आप वो फॉर्मूलाज यूज करें तो आपको कभी भी किसी भी कस्टमर के लिए कोई भी गारमेंट कस्टमाइज करने वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर वो फॉर्मूलाज आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करें वाइल द टाइम ऑफ कटिंग द फैब्रिक तो आपके पास कोई भी कस्टमर आए ऑफ एनी साइज यू विल बी एबल टू कस्टमाइज गारमेंट्स कस्टमाइज डिजाइनर प्रोडक्ट्स for your customer and keep watching my videos. अगर आपको मेरे videos पसंद आए तो please click on the like button and subscribe my channel so that मेरे new videos on new latest trends designer items मैं दूंगी so that आप उन लोगों को वो सारे videos आप देख पाए. Thank you. आज मैं पंजाबी पटियाला का pattern block किस तरह develop करते हैं उसका मैं ट्यूटोरियल दूंगी. देखिए, एक पंजाबी पटियाला तैयार करने के लिए हम लोगों को कुछ मेजरमेंट्स का जरूरत होता है, कुछ माप का जरूरत होता है. तो सबसे पहला माप है लेंथ. लेंथ मीन्स लंबाई. हर एक कस्टमर का लेंथ कस्टमर के हिसाब से होता है, उसके हाइट के ऊपर होता है. व्हाट एवर द लेंथ मे बी, यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लेंथ 40 इंचेस लिया है. दिस इज 40 इंचेस. लेंथ मेजरमेंट हमेशा इंचेस में लेते हैं हम लोग. सेकेंड इज वेस्ट. वेस्ट मतलब कमर. कमर यहाँ पे हम लोगों ने लिया है 30 इंचेस. उसके बाद है हिप. हिप का हमने लिया है 36 इंचेस. उसके बाद है डाउन रॉन्ग हैंड. डाउन राउंड हैंड मतलब अगर आप हिंदी में बोले उसको मुहरी बोलते हैं नीचे, उसको लिया है हम लोगों ने 13 इंचेस. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है एक पटियाला. सिलाई होने के बाद ये पटियाला ऐसा दिखता है. अगर हम देखें ये पटियाला टू पार्ट्स में है. देखिए यहाँ ऊपर एक ये है पार्ट वन, ये है पार्ट वन और ये है पार्ट टू. ये है पार्ट टू. दो पार्ट में एक पटियाला सिलाई होता है या अगर आप बोले दो पार्ट में कपड़ा काटना पड़ता है एक पंजाबी पटियाला सिलाई करने के लिए. इसलिए हम लोग इसको बहुत बार टू पार्ट पंजाबी पटियाला भी बोलते हैं. अगर आप देखें ये जो मैंने बोला डाउन राउंड जो हेम है वो है ये मुहरी. आपको कस्टमर का ये मुहरी मेजर करना है. ये 13 मैंने एग्जांपल लिया है, ये कस्टमर वाइज वैरी करता है. लेकिन मेरे वीडियो में सबसे अच्छा चीज क्या है कि मैं आपको फॉर्मूलाज दे रही हूँ. इस फॉर्मूलाज को अगर आप इम्प्लीमेंट करें वॉट एवर द मेजरमेंट मे बी, मेजरमेंट्स चेंज होंगे लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कभी चेंज नहीं होगा. इसके हिसाब से ही अगर आप कटिंग करें तो आपके एक आप अपने कस्टमर के हिसाब से आप एक ये तैयार कर सकते हैं पंजाबी पटियाला. तो लेट्स कम, पहले जो मैंने यहाँ बोला पार्ट वन एंड पार्ट टू, पहले मैं आपको पार्ट टू का ड्राइंग दिखाती हूँ कि पार्ट टू का ड्राइंग हम लोगों को किस तरह पैटर्न मेकिंग में करना है. देखिए मैंने इन सबको अल्फाबेट्स में मार्क किया है सो दैट आपको समझ आए कि किस ड्राइंग के बाद हम लोगों को क्या क्या मेजरमेंट्स लेने हैं. ये है देखिए यहाँ पे है ऑन फोल्ड. इसको बोलते हैं ऑन फोल्ड. जब हम लोग फैब्रिक काटेंगे, फैब्रिक जब हम लोग आप मेरे सेकेंड वीडियो में देख पाएंगे, मैं आपको फैब्रिक कटिंग का भी ट्यूटोरियल दूंगी. जब भी हम लोग फैब्रिक काटते हैं फैब्रिक को हम लोग फोल्ड में रखते हैं, कपड़े को हम लोग फोल्ड में रखते हैं. तो ये जो लाइन है ये कपड़े का फोल्ड लाइन है. फोल्ड लाइन हमेशा आपके तरफ रहना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोगों को दो मार्किंग करना है, ए एंड बी. ए एंड बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू लेंथ मतलब लंबाई प्लस हाफ इंच माइनस 8 इंच. लेंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 40 है. हम अगर मैं यहां लेती हूं 40 तो यहां पे हम लोग 40 में हाफ इंच प्लस करेंगे माइनस 8 इंच करेंगे.
तो ये हमारा स्टैंड करेगा 32 प्लस हाफ इंच, जो कि आएगा 32 हाफ इंच। तो ये है दिस इज हाउ हम लोग एक कैलकुलेट करके हमको समझ आया 32 प्लस हाफ इंच मुझे यहां से यहां तक लेना है अगर मेरा लेंथ 40 रहता है। सिमिलरली अगर लेंथ चेंज होता है तो सोचिए लेंथ किसी का 30 है तो आप यहां 30 प्लस हाफ माइनस 8 इंचेस करेंगे तो इस हिसाब से आपको आपका ये लेंथ मिल जाएगा। कस्टमर का लेंथ कस्टमर के ऊपर वैरी करता है। ओके, ए बी के बाद अगर हम लोग यहां पे देखते हैं ए एंड एफ एक पॉइंट है। ए एफ इटसेल्फ बोल रहा है फैब्रिक विड्थ मतलब कपड़े का जो चौड़ाई होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, कपड़े का जितना भी चौड़ाई है उसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे। मतलब हम अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये हाफ फैब्रिक विड्थ है, हाफ फैब्रिक विड्थ है, मतलब कपड़े का जितना चौड़ाई है उसका हाफ, ये पोर्शन होगा हमारा हाफ फैब्रिक विड्थ। अब क्या है, किसी कपड़े का चौड़ाई 40 इंची होता है, किसी कपड़े का चौड़ाई 30 होता है, किसी कपड़े का 28 इंचेस होता है। तो पटियाला करते वक्त हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, जब हम लोग कपड़ा फैब्रिक सिलेक्शन करेंगे, कपड़ा सिलेक्शन करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, अगर उस कपड़े का विड्थ ज्यादा हो तो हमारे लिए हमारा पटियाला उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना विड्थ होगा उतने प्लीट्स पड़ेंगे और ये हम सब जानते हैं जितने प्लीट्स आएंगे उतना अच्छा पटियाला एक तैयार होगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं मीटर, इतना मीटर, 3 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दीजिए। हाँ, अगर फैब्रिक विड्थ ज्यादा हो, अगर 44 इंचेस फैब्रिक विड्थ हो तो आपको उतना मीटर कपड़ा भी जरूरत नहीं होता है। 2 मीटर कपड़े में भी आप एक अच्छा पटियाला, पंजाबी पटियाला आप स्टिच कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक विड्थ ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर फैब्रिक विड्थ कम है तब आप लोगों को ज्यादा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैब्रिक विड्थ, कपड़े का चौड़ाई कितना है उसके ऊपर। तो ये हम लोगों को समझ आ गया, ए एफ है कपड़े के चौड़ाई का हाफ। उसके बाद हम लोग ले लेंगे ये एफ जी। एफ जी जो है ये है हाफ हिप, हाफ हिप प्लस 1 इंच और 2 इंच। ये जो हाफ हिप है, यहां से हम लोग एक पॉइंट नीचे आएंगे जी पॉइंट पे, जिसका फॉर्मूला है हाफ हिप प्लस 1 इंच और 2 इंच। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे हिप 36 लिया है तो 36 का हाफ होता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, एफ जी हाफ हिप प्लस 1 इंच और यू कैन टेक 2 इंचेस। दैट मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच और 2 इंच, दैट मीन्स 18 प्लस 1 इंच, दैट इज 19। अब मैं यहां बता दूं 1 इंच और 2 इंच, वाई 2 इंच एंड आपको कब 1 इंच लेना है, आपको कब 2 इंचेस लेना है। अगर आप देख रहे हैं आपका कस्टमर बहुत मतलब हेवी वेट का है, बहुत मोटा इंसान है, तो क्या होता है, तब हम लोग उन लोगों को ईज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है उठने बैठने में कंफर्टेबली के लिए, तो तब हम लोग 2 इंचेस प्लस करेंगे। लेकिन अगर हमारा कस्टमर स्लिम एंड ट्रिम है, नॉर्मल फिगर है, तब हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि उन लोगों को उतना कपड़ा जरूरत नहीं होता है फैट्स ये करने के लिए। तो दैट इज वाई मेरा हिप है 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, इधर 1 इंच और 2 इंच, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर कि तुम्हारे कस्टमर का फिगर कैसा है। तो दिस इज 18 प्लस 1 इंच, दैट इज इक्वल्स टू 19 इंचेस। दैट मीन्स यहां से यहां तक मैंने 19 इंचेस ले लिया। अब आपका एक पॉइंट आता है एफ और डी। एफ और डी जो है दिस इज एक्स्ट्रा फैब्रिक। हम लोग यहाँ पे एक स्टिच लाइन आएगा, जब हम लोग स्टिच करेंगे मैं आपको मेरे सेकेंड वीडियो में दिखाऊंगी कि ये फैब्रिक हम लोग कहां से हम लोगों को मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितना भी हम लोगों को मिले
हम लोग इसको यहाँ पे रख के यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब क्या है, यहाँ से हम लोग डी ई एक और पॉइंट लेंगे जो है 1/3 हिप प्लस 3 इंचेस माइनस 8 इंचेस। तो मेरा हिप है कितना 36, दैट मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंच माइनस 8 इंच विच स्टैंड्स टू 7 इंचेस। तो अब हमको समझ आ गया कि डी ई जो पॉइंट है हम लोगों को 7 इंचेस लेना है। नाउ द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट है ये शेप्स। नाउ वी हैव टू जॉइन द पॉइंट्स। अब हम लोगों को पॉइंट्स जॉइन करना है। अगर आप देखें मैंने एक शेप दिया है विच इज लाइक दिस, ठीक है, ये जो शेप है यही मेन शेप है। हम लोग ये जब शेप देंगे, जब हम लोग अपना पटियाला सिलाई करेंगे तब देखेंगे कि पटियाला के पीछे आप देखेगा कि ऐसे ऐसे फोल्ड्स गिरते हैं, विच इज यही स्पेसिफिक चीज है पंजाबी पटियाला में। पंजाबी पटियाला में हम लोग देखते हैं पीछे ऐसे फोल्ड्स गिरते हैं, तो वो फोल्ड्स इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की वजह से गिरते हैं। बहुत सारे टेलर्स क्या करते हैं, दे टेक इट स्ट्रेट, एक स्ट्रेट वो लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड देन दे स्टार्ट द स्टिचिंग प्रोसेस। बट ये स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या होता है, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से ये जो प्रॉपर एक पंजाबी पटियाला के जो फोल्ड्स हैं, जो नीचे फोल्ड्स आते हैं, वो चीज नहीं आता है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो एच पॉइंट है हमारा, ये बी और एच हमें कैसे मिला है, बी और एच इज हाफ मुहरी, हाफ मुहरी। मुहरी मींस मैंने कहा डाउन राउंड हेम। ये जो हेम है नीचे का, ये हम लोगों को मिला है जो भी मेजरमेंट होता है उसका हाफ, ये हमने हाफ ले लिया, बी एच हम लोगों को मिल गया। अगर मैं बोलूं मेरा यहाँ पे 13 है तो दैट मीन्स 13 का हाफ है 6.5 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंचेस ले लिया है। अब ये जो एच पॉइंट मिला है मुझे यहां से, इट्स जस्ट अ फ्री हैंड ड्रॉइंग, ये बस एक फ्री हैंड ड्रॉइंग है। इट शुड बी लाइक दिस। तो तब क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया और यहाँ पे मैंने फैब्रिक को माइनस किया। जब यहाँ पे फैब्रिक माइनस होता है और यहाँ पे फैब्रिक प्लस होता है तो डेफिनेटली अगर हम लॉजिकली देखें तो फुलनेस हमारा यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तब जाके एक पटियाला में यहाँ पे जो ये जो फोल्ड आते हैं, ये जो पंजाबी पटियाला में इस जगह जो फोल्ड आते हैं, दैट विल कम ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने यहाँ पे लिया है। तो दिस इज द ड्रॉइंग ऑफ पार्ट टू, नीचे दिस इज द ड्रॉइंग ऑफ पार्ट टू। वट एवर द मेजरमेंट्स मे बी, कोई भी मेजरमेंट्स हो, कोई भी माप हो, बस आपको ये फॉर्मूलाज में पुट करना है। लेंथ चेंज होगा बट वॉट एवर द लेंथ में भी उसमें प्लस हाफ माइनस 8 इंचेस करना है। वॉट एवर द हिप में भी उसमें हिप को 3 से डिवाइड करके प्लस 3 इंचेस माइनस 8 इंचेस करना है। और अगर यहाँ पे बोले एक्स्ट्रा फैब्रिक, इट ऑल डिपेंड्स आपका फैब्रिक कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फैब्रिक विड्थ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है एक अच्छा पटियाला। तो डेफिनेटली फैब्रिक खरीदने वक्त आप फैब्रिक विड्थ को डेफिनेटली माइंड में रखें। अब मैं आ रही हूं पार्ट वन में, पार्ट वन का ब्लॉक ड्राइंग में मैं आती हूं। दिस इज द ब्लॉक जो हम लोग बोलते हैं और ये है हमारा फोल्ड साइड जो कपड़ा फोल्ड रहेगा। अब क्या है कि हम लोग, अगर मैं बोलूं ये ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन लेना है, ए एंड बी विल बी 8 इंचेस। नाउ ए एंड सी, ए सी है 1/4 हिप प्लस 2.5, दैट मींस अगेन द कैलकुलेशन 36 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच। Yes. तो ये आ रहा है मेरा 9 प्लस 2.5 इंचेस विच इज इक्वल्स टू 11.5 इंचेस। दैट मीन्स
मुझे यहां से यहां तक एक ड्रॉइंग करना है विच इज 11.5। नाउ हम लोग यहां से यहां एक एक एक्स्ट्रा एक मार्किंग करके रखेंगे विच इज 1.5 इंचेस। इट्स जस्ट अ मार्किंग, इट्स जस्ट अ मार्किंग, हम लोग एक मार्क करके रखेंगे। ये जो यहां पे अगर आप देखें, ये जो थ्रेड निकल रहा है, हम देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्किंग करके दिखाया है, दिस इज अ स्टिच लाइन। हम लोग इस चीज को स्टिच करेंगे, वहीं से वो थ्रेड निकलेगा। इट जस्ट दैट अगर आप पार्ट वन पार्ट टू में आए, पार्ट टू में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ज्यादा लिया है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये जो नीचे हम लोग जो ये जो राउंड हेम, जो हेम है हमारा, मुहरी है जो हमारा, इसको जब हम लोग स्टिच करेंगे तब एक कपड़ा हम लोगों को फोल्ड करना पड़ता है जहां पे हम लोग बकरम लगाएंगे फॉर द स्टिफनेस। तो उस चीज के लिए, वो जो फोल्ड पार्ट है, उस चीज के लिए मैंने 1.5 इंचेस यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि फैब्रिक कम है और हम लोग इतना नहीं ले पाएंगे, लेंथ बहुत ज्यादा है, फैब्रिक कम है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके ये हम लोग मिटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा 1.5 इंच ही कपड़ा लेके यहां से स्टिच करके उसको अंदर फोल्ड कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप 1.5 इंच ही लीजिए, अगर फैब्रिक नहीं है तो भी घबराने का जरूरत नहीं है, फैब्रिक कम पड़ रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज 1.5 इंच ही अलग कपड़ा लेके हम लोग यहाँ पे सिलाई करके इसको हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारे ट्रिक्स, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको मेरे सेकेंड पार्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको स्विंग एंड फैब्रिक कटिंग, पूरा फैब्रिक हम लोग किस तरह ड्रॉइंग करके फैब्रिक काट रहे हैं, उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दिस इज द होल पैटर्न, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज अगर आप फॉलो करें, व्हाटएवर द मेजरमेंट विल बी, आप एक अच्छा पंजाबी पटियाला स्टिच कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट, हमारा जो यूएसपी है, जो न्यू थिंग है, जो जनरली जो लोकल टेलर्स दे डोंट फॉलो इट, बहुत बार बुटीक्स में यस दे फॉलो इट, जो पंजाबी पटियाला का जो मेन जो चीज है वो है दिस शेप। ये शेप यहाँ पे फुलनेस दीजिए, यहाँ पे फुलनेस कमाइए, तब जाके यहाँ पे जब आप स्विंग करेंगे तब यहाँ पे आपके वो जो राउंड्स, जो एक वेव्स जो एक पंजाबी पटियाला में रहता है वो रहेगा। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स, सो दैट मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, जो मैं बोल रही हूँ कि सिलाई और एक कपड़े को कि एक कपड़े के ऊपर किस तरीके से हम लोग काटेंगे एक पंजाबी पटियाला, मैं सेकेंड वीडियो में मैं अपना दिखाऊंगी, तो प्लीज उसको आप मिस मत करिएगा। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको और कुछ वीडियोस जानना है और कुछ कमेंट्स, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप मेरे चैनल में कमेंट्स करिए, आई विल बी गेट बैक टू यू पीपल। थैंक यू।